Welcome to the online lecture of Sharad Bimore English High School. So, in last lecture, I have started the chapter 2.2, Nature Created Men and Women as Equals. Okay, and almost half portion already I have discussed with you. What is written in this brief write-up? A mother, daughter discusses on the topic that man has and man and woman, they both are equal, right? हम लोगों ने start किया था, in which I told you Ashram Bai is what? A mother, middle aged mother of three children, and वो क्या थे, एक journalist थे, woman right activist थे, okay? And उनके पास क्या, उनकी daughter, जो youngest daughter, सबसे छोटी daughter होती है, वो आती है उनके साथ discussion के लिए, okay? वो बोलती है कि मेरा symposium, मतलब मुझे symposium में जाना है as a representative of my school, so I want to have some knowledge regarding the topic man and woman, God created man and woman as equal, ठीक है? So इस related वो किसके साथ already discuss कर चुकी हुई होती है, Lanthoi, her father, right? Just before he came to the mother. मतलब मदर के पास आने के कुछ टाइम पहले ही वो क्या कर सकते, अपने फादर के साथ एक डिस्कशन कर चुकी होती है, जिसमें उसके फादर क्या करते हुए उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग तो अपनी ऐसी सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पर आपको टोटल फ्रीडम है, राइट, आप मतलब वुमन को, बट ऐसी स्टिल कुछ सोसाइटी है, ऐसी कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन. ओके, सो फॉर दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी के लिए तो हमें वर्क करना है, हमें क्या करना है, इक्वालिटी लाना है बिटवीन मैन एंड वुमेन. ओके, और वो अपने फादर के ये व्यूज अपने मॉम को बताती है, ठीक है. सो उसकी मॉम क्या करती है, अप्रिशिएट करती है उनके हस्बैंड के थॉट्स को, उनके व्यूज को, राइट, और उसको एक्सप्लेन करती है कि जो गॉड है, राइट, गॉड हैज क्रिएटेड मैन एंड वुमेन ऑन द अर्थ टू शेयर द जॉयज एंड सोरोज, राइट, मतलब जॉयज एंड सोरोज लाइफ की इक्वली शेयर करने के लिए भेजा गया है, और जो दोनों भी है वो इक्वल है, राइट, इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइफ. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू फर्दर. Ashram Bai knows well that man and woman are equal. Okay, but women who are half of the human race are as important as man. She writes and talks about such topics. Her daughter, though a child, also understands well that her mother is not a person of lesser quality than her father. She says, "Our home is full of love with your mother." Okay. मतलब वो क्या बताती है, Ashram Bai अपने डॉटर को बताती है वो ये, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होता है कि जो मैन और वुमेन है वो क्या है, दोनों इक्वल है. ओके, मीन्स ह्यूमन रेस में, लाइफ की जो रेस है उसमें दोनों भी ज़्यादा, दोनों भी इतने ही इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, वुमेन के राइट के लिए वो काम करती है, तो उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है, राइट. तो वो अपनी डॉटर को एक ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करती है, राइट, और उनकी डॉटर ये अच्छे से समझ जाती है कि दैट उनकी जो मदर है वो क्या है, उतनी ही एबल है जितने के उनके फादर है, राइट, और उनके जो होम है उस वो दैट इज ओनली फुल ऑफ लव एंड केयर ओनली बाय द मदर, राइट. ओके, फर्दर विद जॉय एट द वर्ड्स ऑफ अ डॉटर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मदर इज द फाउंटेन ऑफ लव इन अ फैमिली. ओके, एज हर डॉटर सेज मदर आर होम इज फुल ऑफ लव विथ यू मदर, राइट, मतलब कि हमारे घर में लव है आपकी वजह से, राइट. सो वो मदर क्या करती है, मतलब उनकी उनकी डॉटर की ये लाइन सुनने के बाद वो क्या हो जाती है, मदर बिकेम विथ जॉय एट वर्ड्स, मतलब खुश हो जाती है ना ये चीज़ से, वो क्या हो जाती है, काफ़ी प्लीज हो जाती है. सो मदर क्या बताती है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मदर इज़ अ फाउंटेन. ओके, फर्दर क्या बोला हुआ है कि जो मदर है एक्चुअली में क्या है, फाउंटेन ऑफ लव है फॉर अ फैमिली, राइट, कि अगर एक घर में अगर मदर है तो वो हर किसी की क्या करती है, केयर करती है, सबको लविंगली केयरिंगली रखती है, राइट. दिस बॉन्ड ऑफ लव इज़ बियॉन्ड कंपेरिजन विथ एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. और ये जो बॉन्ड ऑफ लव है ना, ये जो लव है ये किसी भी चीज़ से कंपेयर किया नहीं जा सकता इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट इज़ ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल द अदर थिंग्स. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट मदरहुड हैज़ बीन glorified and women accept the challenges in life to become a mother. मतलब कि ये जो motherhood है, right, ये क्या किया गया है, एक woman को praise, मतलब glorified, मतलब उनको क्या किया गया है, एक praise है उनके लिए, है ना, उनके लिए एक praise है कि वो क्या करती है life में as a mother बनना उनके लिए क्या होता है, एक challenge, और वो क्या करती है, जब mother बनती है तो ये सारी challenges को उनको face करना होता है, अपनी family को क्या करना होता है, अच्छे से properly lovingly handle करना होता है. ओके, Showing deep affection, Ashram Bai continues. Pioneer woman testified to the equality of woman with man. Actually, life is not possible without both woman and man. Okay. आगे क्या बता रही है Ashram Bai अपनी डॉटर को,
कुछ ऐसी वुमेन्स है ना पियोनियर, पियोनियर मतलब किसी भी स्पेशल चीज रीजन में किसी भी जगह पे कुछ नई चीज की शुरुआत करने वाला है ना, किसी नए कंसेप्ट को आगे लाने वाला। सो वुमेन ऐसी वुमेन जिसने क्या की थी, वो ऐसी वुमेन जो मतलब कि हमारे पास में से हमें देखने को मिलती है राइट, जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों की क्या की थी, बिगनिंग की थी, शुरुआत की थी, वो क्या है उस चीज़ के देखो टेस्टिफाई, टेस्टिफाई मतलब किसी चीज़ का एविडेंस होना, किसी चीज़ का प्रूफ होना है ना, वो उस चीज़ की एक प्रूफ है कि जो मैन और वुमेन है वो क्या है, बोथ आर इक्वल राइट। लाइफ इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल विदाउट मैन एंड वुमेन, मतलब दोनों भी क्या है लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेंथोई हैज बीन फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ पियोनियर वुमेन, मतलब और ऐसी पियोनियर वुमेन मतलब जैसे हम लोग ने हिस्ट्री में पढ़े है राइट, रानी लक्ष्मीबाई एंड सावित्री बाई फुले अदर एंड अदर वुमेन्स, तो उनकी ये जो लाइफ की स्टोरीज है ना वो ऑलरेडी लेंथोई क्या थी उन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, उसे ये सारी चीज़ें अच्छे से पता थी। हर ग्रैंड Her grandmother had narrated many stories of the brave queens like Linthongivoy and Karangwenai who were as brave as kings. Okay, मतलब कि उनकी जो grandmother थी उन्होंने भी already इसके बारे में लिखे हुए थे, इन दोनों great personalities के बारे में, women के बारे में लिखे थे जो क्या थे as brave as king, मतलब जितने ही kings क्या ब्रेव थे उतनी ही ये दोनों क्वींस भी क्या थी ब्रेव थी, तो उसे इस बारे में अच्छे से पता था। सो देयर वर आल्सो मेनी ब्रेव वुमेन अमंग द कॉमन पीपल, और हमारे ये तो क्या हो गए कुछ स्पेशल पर्सन्स के बारे में, पर्सनालिटीज के बारे में बताया हुआ है राइट, लेकिन हमारे कॉमन पीपल में हमारे आसपास जो रहते हैं सर्वाइव करते हैं उनमें भी बहुत सारी ब्रेव वुमेन हैं। ओके, दीज वुमेन एज हर ग्रैंड मदर नरेटेड वर मेकर्स ऑफ होम फैमिली सोसाइटी इन द नेशन, और वो वुमेन कौन है जो फैमिली बनाती है राइट, टू दे आर द मेकर्स ऑफ होम फैमिली सोसाइटी एंड नेशन, मतलब ये सारी चीज़ों को बनाने वाली, सारी चीज़ों को आगे सक्सेसफुली लेकर जाने वाली वुमेन। दे वेयर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस, वो क्या कर रहे हैं सिविलाइजिंग क्या कर रहे हैं इन्फ्लुएंसेस, मतलब किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज़ पर असर देना अपना राइट। एट द सेम टाइम दे वेयर ऑल्सो एडवेंचरर्स हु क्लेम्ड देयर शेयर्स इन फ्री लैंड, प्लॉव एंड रेज क्रॉप्स विद देयर ओन हैंड्स एंड ड्रो कैटल, और ऐसी चीज़ें भी की है उन्होंने कि जो सिविल लाइफ में मतलब सोशल सोसाइटी में अपना एक इफेक्ट डाला है ना अपनी चीज़ों से, अपने कामों से। एट द सेम टाइम बहुत से लोगों ने, बहुत सी ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने एडवेंचर्स किए हैं ना, और आगे और बहुत सारी वुमेन आगे बढ़ के क्या किया, उन्होंने क्रॉप्स भी ग्रो किया है विद देयर ओन हैंड्स एंड ड्रो कैटल, कैटल भी चलाया मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना कैटल वो भी चलाए, तो क्या है उन्होंने हर काम मतलब ईच एंड एवरी प्रोफेशन है ना उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया राइट। मॉडर्न वुमेन हैव बिकम माउंटेनियर, अब ये अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग मॉडर्न वुमेन जो क्या बन रही है माउंटेनियर्स, माउंटेन्स पे जाने वाले है ना, नेचुरलिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट, सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स, मीन्स ये सारी चीज़ें, ये सारे ये जो प्रोफेशंस हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स होना, साइंटिस्ट बनना, सोल्जर बनना है, ये सारे मॉडर्न वुमेन इन सारी फील्ड्स में भी क्या कर रही है सक्सेस गेन कर रही है। दिस प्रूव्स दैट देयर इज नथिंग अ वुमेन कैन नॉट डू एंड ऑल्सो दैट वुमेन एंड मैन वर क्रिएटेड एज इक्वल, और ये सारी चीज़ें प्रूव करती है ना, क्योंकि वो हर वो काम कर सकती है जो मैन कर रहा है ना। आज की जो मॉडर्न वुमेन है वो एस्ट्रोनॉट्स भी बन रहे, वो साइंटिस्ट भी बन रहे, वो सोल्जर्स भी बन रहे, पॉलिटिकल लीडर्स भी बन रहे, पॉलिटिक्स में भी आगे आ रहे हैं। सो इट मीन्स दे आर प्रूविंग के वो भी वो सारे काम कर सकते हैं, और मैन और वुमेन क्या है इक्वल है राइट। देन शी आस्क्स हर मदर फर्दर, अब वो आगे अपने मदर से पूछती है लेंथोई डॉटर, मदर यू हैव थ्रोन लाइट ऑन द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन एंड ऑल्सो हैव एम्फसाइज्ड दैट द वर्ल्ड इज स्टिल एन इनइक्वल वर्ल्ड। ओके, मदर आपने मुझे बताया, वो अपने मदर से बोलती है कि यू हैव थ्रोन लाइट, थ्रोन लाइट ऑन मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ठीक है, ये क्या है एक फ्रेजल है जिसमें एक्सप्लेन करते हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो उसकी मदर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से उसको समझाती है राइट। सो वो बोल रहे हैं कि मदर आपने मुझे इस टॉपिक के बारे में अच्छे से बताया, इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन के बारे में है ना, एंड हैव ऑल्सो इम्फेसाइज, इम्फेसाइज मतलब किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ को पर्टिकुलरली हाईलाइट करके बताना कि वर्ल्ड में अभी भी अनइक्वल मतलब इनइक्वालिटी है, वर्ल्ड में अभी भी लोग क्या करते हैं मैन एंड वुमेन को अनइक्वल ट्रीट करते हैं, आपने मुझे ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। देन व्हाट आई वुड लाइक टू नो इज इफ देयर आर मोरल
social and legal provisions to enable women to express their physical and mental potential and to set themselves free from suppression. What would I like to know? मतलब मुझे और क्या जानना है? Is if there are moral, social, मतलब related to societies, related to moral values and related to legal, legal मतलब related to law. ऐसे कोई provisions है enable करने के लिए women to express their physical and mental potential and set themselves free from suppression. मतलब किसी की suppress, suppression मतलब किसी के दबाव में आना है ना, मतलब किसी के दबाव में आके dominate होना. तो वुमेन को इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए, राइट, सप्रेशन से बचाने के लिए आर देर आर सम मॉरल सोशल एंड लीगल प्रोविजंस, राइट. मुझे फर्दर आगे ये जानना, आई वुड लाइक टू नो. अमेज्ड एट द क्यूरियोसिटी ऑफ अवर डॉटर, आशंक भाई एड्स, मतलब अपनी डॉटर की इस जो क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता है ना किसी चीज़ को जानने के लिए, आपके अंदर जो ईगरनेस होती है, राइट. तो वो क्या करते हैं, आगे बताते हैं आशंक भाई अपने डॉटर को. देर आर मैनी, yes there are many legal provisions etc under the aegis of the United Nations. There is a declaration for a new world of equality. It has the following damages. Okay, तो वो बताती है कि हाँ ऐसा है और उसकी एक example भी देते हैं. एक क्या है, एक declaration है जो new world का, new world of equality का, उसमें following damages है. Okay, so what are those, let us study. अगर वो भी कहाँ पर है, United Nations में. First one, equal access to basic social services including health and education, जिसमें ये mention किया गया है कि both men and women दोनों के लिए क्या है, equal access, मतलब equally वो दोनों access कर सकते हैं. कौन सी चीज़ें, कौन सी facilities, social services including health and education, मतलब health से related, education से related, both both जो भी है men and women दोनों को equal facilities available होगी, right. B, equal participation in political and economic decision making. economic हो, फाइनेंशियल रिलेटेड हो, पॉलिटिकल हो, किसी पर्टिकुलर कंट्री को चलाने की बात हो, है ना, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो, उसमें दोनों में मैन और वुमेन दोनों इक्वल ही डिसीजन ले सकते हैं, है ना. मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए कौन से लीगल सोशल प्रोविजन है, वो अपनी मदर से इस बारे में क्वेश्चन करती है, राइट. तो उसकी मदर उसको एक एग्जाम्पल दे रहे कि येस देर इज अ प्रोविजन इन यूनाइटेड नेशन इन दिस डिक्लेरेशन देर आर सम डायमेंशन. तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है. ए पॉइंट समझ में आ गया आपको, जिसमें दोनों को क्या है, हेल्थ और एजुकेशन की इक्वल एक्सेस है, ओके, इनकी सर्विसेज की. देन सेकेंड में इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. सी, थर्ड वन, इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क, मतलब इक्वल रिवॉर्ड मिलना चाहिए. अगर आपने कोई अप्रिसिएटिव वर्क किया है, राइट, तो आपको उसका मैन और वुमेन दोनों को इक्वल रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए. रिवॉर्ड मतलब आप किसी को क्या दे रहे हो, उसके काम के बदले में कुछ अच्छा दे रहे हो, है ना, रिवॉर्ड, उसको क्या कर रहे हो, उसके लिए पे कर रहे हो आगे, मतलब आप उसको ट्रॉफी दे रहे हो या फिर कोई फैसिलिटी दे रहे हो, अदर स्कॉलरशिप दे रहे हो, एनीथिंग एज अ रिवॉर्ड यू कैन गिव, राइट. सो वो क्या है, इक्वल होना चाहिए. लास्ट वन, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल देना, ओके, किसी चीज़ से बचाना. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, और जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, राइट, और जो वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रहा है अगेंस्ट वुमेन, इसे क्या करना है, हमें खत्म करना है, एलिमिनेट कर देना है, टोटली निकाल देना है, डिस्कार्ड कर देना है. अंडरस्टूड प्रॉपरली? तो उसकी मदर को ये क्वेश्चन करती है वो कि मुझे ऐसा कोई लीगल प्रोविजन समझाइए जिसमें इन सारी चीज़ों से, मतलब जो वुमेन को ये सारी चीज़ें सप्रेशन दिया जा रहा है ना, तो उसको बचाने के लिए क्या लॉ निकाला गया है ना. तो वो इसकी एक एग्जांपल देते हैं जो कि कहाँ पर है, कब एस्टैब्लिश किया गया है, यूनाइटेड नेशन में. ओके, अंडरस्टूड? नाउ फर्दर, देन द मदर कंक्लूडेड, माय डियर डॉटर, वी कैन अफर्म अलोंग विद द यूनाइटेड नेशंस दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल्स, राइट. अब आगे इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए कंक्लूडेड, कंक्लूडेड मतलब ऑल ओवर इसका कंक्लूजन ये निकलता है, निकालती है, मतलब अपने डॉटर को ऑल ओवर ये समझाना चाहते हैं कि माय डियर डॉटर, इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दी गई है बाय लॉ, बाय सोसाइटी, बाय मोरल वैल्यूज. ओके, लेंथ ऑफ अंडरस्टैंड्स व्हाट अ मदर मींस एंड व्हाट द टॉपिक ऑफ द सिंपोजियम मींस. अब वो सिंपोजियम का इसका ये टॉपिक था ना कि गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल, तो उसके बारे में अपने मदर से पूरा डिस्कशन करने के बाद उसे अच्छे से समझ में आ चुका होता है कि मेरे सिंपोजियम का जो टॉपिक है उसका क्या मीनिंग है. ओके, दस, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, द नेक्स्ट डे आफ्टर थैंकिंग हर मदर, द गर्ल ऑफ 12 हैप्पीली रशेस आउट ऑफ द रूम इन द ब्राइट मॉर्निंग सन.
ओके अब ये सारी चीजें अच्छे से उसको समझ में आ चुकी होती है। ओके अब देखो, आपको कभी स्कूल में स्पीच देनी होती है या फिर आपका भी कोई कंपटीशन होता है, उसके बारे में आपको पता होगा, नॉलेज होगी, है ना। अगर सपोज सिंपल से एग्जाम ही ले लो, आपको पता है, आपने पढ़े हो, प्रिपेयर्ड हो, तो आप कॉन्फिडेंटली जाओगे, राइट। नाउ सिंस बिकॉज उसने भी इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी अच्छी तरीके से डिटेल अपनी मदर से ले ली थी, है ना, अपने फादर से भी थोड़ी सी नॉलेज ले लिए थे, तो अब वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके हैप्पीली कहा जाती है अपने सिंपोजियम के लिए जाती है। ओके सो ब्लू स्काई मीट द रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन्स, मतलब जो ब्लू स्काई है ना, जो ब्लू स्काई हम लोग को ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है, जो वो घर है उसके आसपास क्या है, माउंटेनियस रेंजेस है। सो इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच विंड्स अप द डिस्टेंट पर्पल माउंटेन। ओके और वो कैसे जाती है, स्मॉल ट्रेल, स्मॉल ट्रेल मतलब जो छोटे छोटे स्टेप्स लेके ट्रेल, मतलब एक रास्ता बनाते हुए, वो कहाँ, अपने मतलब डिस्टेंट पर्पल माउंटेन, मतलब उस ब्यूटीफुल व्यू में जो हम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, माउंटेनियस रीजन है, ग्रीनरी है, आसपास में फर्टाइल लैंड है, और वहाँ से फिर वो हैप्पीली मतलब अपने सिंपोजियम के लिए, मतलब जिस चीज़ के लिए वो जा रही है ना, वो उस के लिए हैप्पीली वहाँ से जाती है फर्दर। ओके सो उस सिंपोजियम के लिए उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली होती है ना, अपनी मदर और फादर दोनों से नॉलेज गेन कर ली होती है, और वो अब हैप्पीली अपने सिंपोजियम के लिए प्रिपेयर होके जा रही होती है। सो हियर द चैप्टर इज एंडेड।